चैनल। आज हम बात करेंगे एक्ने स्कार्स के बारे में। एक्ने स्कार्स क्या होते हैं? जब किसी को पिंपल्स होते हैं तो उसके बाद जो गड्ढे जैसे निशान छोड़ जाते हैं, उनके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हम गड्ढे वाले मार्क्स के बारे में बात करेंगे, जो काले या पर्पल कलर के निशान होते हैं, उनके बारे में अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्ने स्कार्स बनते कैसे हैं? जब पिंपल होता है तो उसमें स्किन के साथ साथ जो स्किन का टिश्यू होता है नीचे, वो भी डैमेज होता है। फिर जब स्किन हील करती है, तो जब स्किन और टिश्यू हील कर रहे होते हैं तो उस टाइम एक कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है। अगर वो प्रोटीन हीलिंग के टाइम ज़्यादा जनरेट होता है तो वहाँ पे उठा हुआ स्कार, हाइपरट्रॉफिक या किलॉइड स्कार जिसको बोलते हैं, वो बन जाता है। इस टाइप के स्कार्स अधिकतर चेस्ट या बैक वाले एक्ने पर पाए जाते हैं। लेकिन अगर वही कोलेजन हीलिंग के टाइम उसकी कमी हो जाती है तो फिर गड्ढे वाले धसे हुए स्कार्स बनते हैं, जो फेस पर अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो कोलेजन के कम या ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से एक्ने स्कार्स या तो धसे हुए या फिर उठे हुए होते हैं। अब एक्ने स्कार्स के कितने टाइप होते हैं? एक्ने स्कार्स चार टाइप के होते हैं। कुछ जैसे कि कुछ लोगों को रोलिंग स्कार्स होते हैं। रोलिंग स्कार्स में मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी, वो आप साइड में देख सकते हो। गोल रोल के तरह के स्कार्स होते हैं। फिर बॉक्स स्कार टाइप स्कार्स होते हैं। फिर थर्ड नंबर के आइस पिक स्कार होते हैं। आइस पिक स्कार बहुत ज़्यादा डीप होते हैं और उनका जो शार्प एंड होते हैं उनके। और फोर्थ नंबर के किलॉइड स्कार होते हैं। स्कार के टाइप से आपको उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, हम मेन ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो ये चार टाइप के स्कार्स हो सकते हैं। उसके बाद एक्ने स्कार्स के प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक्ने स्कार्स कम हो। नंबर वन, आपको अपने एक्ने को कभी टच नहीं करना। अगर आप अपने एक्ने को टच करते हो या स्क्वीज करते हो या स्क्रैच करते हो तो उससे वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होके जब हीलिंग होती है तो फिर या तो कोलेजन कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा और स्कार्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आपने उसको ज़्यादा कर दिया है। नंबर टू, जीन्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को एक्ने स्कार्स का इशू है तो आपको भी एक्ने स्कार्स होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। नंबर थर्ड, अगर आपको बहुत मोटे मोटे टाइप के, जिनको नोड्यूलर एक्ने बोलते हैं, जिनमें स्किन इन्फ्लेम ज़्यादा होती है, स्किन एंड टिश्यू ज़्यादा डैमेज होता है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्ने स्कार्स पड़ने के। एंड नंबर फोर, किसी को भी बिना किसी कारण के भी एक्ने स्कार्स हो सकते हैं। स्कार्स के प्रिवेंशन के लिए आपको अपने फेस को बिल्कुल टच नहीं करना। और दूसरा, सबसे पहले आपको एक्ने को होने से रोकना है। आपको ट्रीटमेंट लेना है कि आपको पिंपल्स हो ही ना। जो आपको पिंपल्स हो रहे हैं उसके लिए आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलकर सलाह लीजिए और अपने पिंपल्स को ठीक करने के लिए प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आपको एक्ने ही नहीं होंगे तो फिर मार्क्स भी आपको, स्कार्स भी आपको कम ही होंगे। फिर अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आपको एक्ने स्कार्स हो जाते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि अगर एक बार एक्ने के स्कार्स मीन्स अगर गड्ढे पड़ जाते हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन 100% पहले के जैसी हो जाएगी। आप प्रोसीजर्स कराओगे, आप ट्रीटमेंट लोगे, मेडिसिंस खाओगे, तो उससे आपके जो एक्ने स्कार्स हैं वो 50-60% तक कम हो जाते हैं। मतलब विजिबल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपकी स्किन किसी भी तरीके से पहले के जैसी प्लेन हो जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है। अब क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? नंबर वन ऑप्शन अवेलेबल है एक्ने स्कार्स के लिए माइक्रो नीडलिंग या डर्मा रोलर ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि डर्मा रोलर में एक रोल होता है जिसमें बहुत छोटी छोटी नीडल्स होती हैं। इसकी डेप्थ 0.5 mm से लेके 2 mm तक का डर्मा रोलर यूज़ किया जाता है। तो इसमें पहले स्किन को नम करके, नमिंग क्रीम लगा के 45 मिनट्स के लिए, उसके बाद उस रोल को, जब स्किन नम हो जाती है, स्किन जहाँ पे आपको गड्ढे हैं वहाँ पे, उस रोल को मल्टीपल टाइम्स मूव कराते हैं। मीन्स जैसे ही आपकी स्किन है तो इसमें हम उस रोलर को ऐसे डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कराएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसमें स्किन को इंजर्ड कर रहे हैं ताकि जब वो हील हो तो वो यूनिफॉर्मली हील हो। उससे आपके स्कार्स, उसमें जब कोलेजन प्रोटेक्शन होगा हीलिंग होते हुए, तो आपके स्कार्स भी थोड़े से फिल हो जाएंगे। सेम ऐसे ही एक माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट है, उसमें भी एक स्लॉट होता है, उसमें फाइन नीडल्स होती हैं, उसको भी फिर स्किन में मल्टीपल टाइम पियर्सिंग की जाती है। तो जब कोलेजन प्रोडक्शन होगा तो स्कार्स उससे यूनिफॉर्मली हील होते हैं। नंबर सेकंड, फिलर्स।
जो फिलर्स होते हैं वो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके पूछ सकते हो। उसमें एक जेल जैसा सब्सटेंस आपके जहाँ पे स्कार्स हैं, गड्ढे पड़ गए हैं, उन गड्ढों को फिल करने के लिए स्किन में उसको भरा जाता है इंजेक्शंस के थ्रू। ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है क्योंकि वो जेल धीरे धीरे स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है और हर 8-9 मंथ्स में आपको उसको रिपीट कराना पड़ेगा। डर्मा रोलर और माइक्रो नीडलिंग वंस इन 15-20 डेज में एक बार कराना होता है और 6 to 8 सेशंस उसके हमें करने होते हैं। फिलर आपको 8-9 महीने में एक बार, लाइफ लॉन्ग अगर आप चाहते हो कि स्कार्स कम दिखें तो उसको आपको करते रहना पड़ेगा। आप करना बंद कर दोगे तो आपके स्कार्स फिर से फिलर के बाद दिखने लगेंगे, लेकिन डर्मा रोलर से जो आपको रिलीफ मिलेगा वो परमानेंट होगा। नंबर थर्ड ऑप्शन है रिसरफेसिंग लेजर। स्किन को रिसरफेस करने के लिए लेजर्स अवेलेबल हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें भी स्किन को कोलेजन स्टिमुलेशन के लिए लेजर बीम्स को स्किन के अंदर पहुंचाते हैं। कुछ एब्लेटिव लेजर्स होते हैं, कुछ नॉन एब्लेटिव लेजर्स होते हैं। एब्लेटिव लेजर में अपर स्किन डैमेज होती है, उसमें डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम मीन्स कि जब भी हम उस लेजर को करेंगे तो वहां पे स्कैब बनेंगे जिनको निकलने में 1 वीक तक लग जाता है। नॉन एब्लेटिव लेजर जैसे कि रिसरफेक्स लेजर है, उसमें 1 से 2 दिन के लिए माइल्ड रेडनेस होती है और कोई डाउन टाइम, कोई स्कैब उसमें फॉर्मेशन नहीं होता। दैट इज अ नॉन एब्लेटिव लेजर। तो लेजर से भी हम कॉलेजन स्टिमुलेशन कर रहे हैं। नंबर फोर्थ ट्रीटमेंट है इसका पीआरपी थेरेपी। पीआरपी इज अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी में आपका ब्लड लेके उसमें से प्लाज्मा को निकाल के फिर उसको ही फिलर की तरह जहाँ पे आपको स्कार्स हैं वहाँ पे या पूरे फेस पे भी उसको इंजेक्ट करते हैं, तो वो एक रेजुविनेशन की तरह हेल्प करता है, उससे स्किन रेजुविनेट होती है। ये चार ट्रीटमेंट डिप्रेस्ड स्कार्स के लिए किए जाते हैं। अगर आपको उठे हुए स्कार्स हैं, जैसे किसी किसी को कीलॉइड फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके लिए हमें इंट्रालिजनल इंजेक्शंस आते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस, उनके लगाने होते हैं। उसके 6 to 8 सेशंस हर हफ्ते वो इंजेक्शन आपको लगाना होता है। साथ में अगर आप लेजर करा लेते हो तो उससे वो स्कार काफी बैठ जाता है और स्किन में मर्ज होके लाइट दिखने लगता है। तो ये था ट्रीटमेंट उठे हुए स्कार्स के लिए। तो अगर आपको एक्ने स्कार्स हो गए हैं तो आपको ट्राई करना है कि आपको अपने एक्ने को ठीक करना है, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना है और अपने फेस को बिल्कुल टच नहीं करना। और जो स्कार्स हो गए हैं उसके लिए जो ट्रीटमेंट मैंने आपको सजेस्ट किया है, ये आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसके लिए आप पूछ सकते हो। और अगर आप ये सब कुछ करते हो तो आपके स्कार्स 60 to 70% तक कम हो जाएंगे। कुछ लोगों में इम्प्रूवमेंट थोड़ा कम होता है, ये पेशेंट की स्किन टू स्किन वेरी करता है। एक और ट्रीटमेंट होता है जो सबसीजन नाम से किया जाता है। थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रीटमेंट है वो, जनरली लोग प्रिफर नहीं करते उसमें। उसमें क्या करते हैं कि जो स्कार्स नीचे चिपके होते हैं उनको एक सिरिंज की हेल्प से, सिरिंज को स्किन के अंदर उसको लगा के और फिर उसको डिटैच किया जाता है स्कार को ऊपर नीचे स्किन की लेयर से। तो वो होता है सबसीजन ट्रीटमेंट। आपको पोस्ट केयर क्या करनी है, ये ट्रीटमेंट अगर आप लेते हो तो उसके बाद आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको सन एक्सपोजर अवॉइड करना होता है। आपको ट्राई करना है कि आप सन में कम से कम जाओ, लेकिन अगर आपको किसी वजह से जाना पड़ता है तो आपको हमेशा एक अच्छा कवर वाला सनस्क्रीन SPF 30 या SPF 50 हमेशा लगाना होता है, जो बाहर जाने से 30 मिनट्स पहले आपको लगाना है। नंबर टू, आपको अगर आपने एब्लेटिव लेजर जिसके बाद स्किन में स्कैब्स बनते हैं, डॉट डॉट जैसे खुरन जैसे बनते हैं, उसको टच नहीं करना, उसको पिक नहीं करना। अगर आप उसको टच करोगे या उतारोगे तो वहाँ पे फिर निशान पड़ जाएंगे, तो आपको उसको टच या पिक नहीं करना होता। नंबर थर्ड, आपको जो फेस वॉश डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया है आपको सिर्फ वही फेस वॉश यूज़ करना है, बाकी दूसरा फेस वॉश आपको यूज़ नहीं करना जब तक आप ट्रीटमेंट पे हो। नंबर फोर्थ, आपको कोई भी सैलून प्रोसीजर नहीं कराना होता, जैसे कि वैक्सिंग, ब्लीचिंग या फेशियल बाहर से, ये सब आपको जब आप ट्रीटमेंट पे हो उस टाइम अवॉइड करना चाहिए। नंबर फिफ्थ, घर पे आप ठंडे पानी में टॉवल डिप करके कोल्ड कंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि हम जब भी कोई ट्रीटमेंट कराते हैं उसके बाद 1-2 दिन तक थोड़ी सी रेडनेस रहती है जो कोल्ड कंप्रेस से धीरे धीरे सबसाइड हो जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो एक्ने स्कार्स के ऊपर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।